हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। सुबह के बज रहे हैं अभी 5 बजने में, थोड़ा बहुत टाइम बाकी होगा और उठ चुके हैं। सबसे पहले मैंने अपनी थायराइड की दवा ले ली है, सीधा हम वॉक पर निकल चलते हैं। आजकल मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो भी एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है। एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप डाइट को कंट्रोल में रखें। और दूसरी चीज़ है ना, आप सुबह शाम वॉक करने को जाएं, अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, वॉक करना भी बहुत अच्छा होता है, वॉक करने से भी हमारा वज़न घटता है। और हाँ, वॉक ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत टहल लिया ऐसे होता है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की आप सुबह की वॉक करें तो बहुत अच्छा होता है, इससे हमारा वज़न घटता है। और जो हमारा वज़न घटता है ना स्लोली यानी धीरे धीरे करके वज़न घटता है ना, उससे हमारा वज़न जल्दी बढ़ता भी नहीं काफ़ी ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है वज़न घटाने बढ़ाने के चक्कर में रहो, बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है ना तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हमारा वज़न कंट्रोल में रहता है तो सारी बीमारियां नहीं होती। मोटे होने से कितनी बीमारियां होती है ये उनको पता है जिनका वज़न बढ़ा हुआ होता है। अब मुझे ही देख लो, मेरा वज़न जब बढ़ा हुआ था तो मुझे इतनी सारी बीमारियां थी। सबसे ज़्यादा तो इतना दर्द रहता था पैरों में कि क्या ही बताएं। लेकिन जब से वज़न घटा हुआ है तो वो दर्द भी वो कम हो गया। ऐसे सीजन के हिसाब से दर्द होता है, जैसे जब मौसम बदलता है तो दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, वरना ऐसे नॉर्मल चलता रहता है। तो वॉक करना भी काफ़ी अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हम हेल्दी रहते हैं। और बस वॉक करके आने के बाद मैंने कहा चलो 2 स्टेप एक्सरसाइज आज करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज जो कि हमारे बेली फैट को कम करती है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कम से कम आप इसको 60 बार करें, 20 बार में ही आपके पैर उठेंगे नहीं इतनी ज़्यादा। मतलब ये एक्सरसाइज कठिन है, देखने में आसान लगती है लेकिन करने में पूरा हमारा फेस मुंह ऐसे बन जाता है कि इतना मतलब कठिन लगता है, ऐसे पैर दर्द मतलब उठते ही नहीं, इतने ज़्यादा भारी भारी हो जाते हैं। तो यहाँ पर 60 बार मैंने उसको किया और यहाँ पर 100 बार मैंने ये वाली एक्सरसाइज की, जैसे पैर के इधर उधर क्रॉस एक्सरसाइज, पैर को इस तरफ उस तरफ करते हैं ना इस तरीके से। मतलब ये वाली एक्सरसाइज मैंने 100 बार 200 बार जितनी बार, कभी कभी हमें लेटे लेटे भी ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज पतदेव जी घर पे नहीं है, उनका सब कुछ बाहर है तो सिर्फ मैं ही बच्ची हैं और खाना पीना भी हम ही 3 लोगों का है। तो मैंने सबसे पहले उठ करके अपना सौंफ वाला पानी और थोड़ा सा इसमें अदरक डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। बस इसको अच्छे से खौलाना है ताकि इसका जो स्वाद है ना वो पानी में आ जाए। और यहाँ पे बेटे के लिए चना निकाल दिया है, 1 गिलास दूध निकाल दिया है, वो नाश्ता करेगा। बिटिया अभी हमारा बोनबीटा पिएगी और उठेगी, उसका सबका अलग अलग नाश्ता बनता है, अलग अलग ही सब लोग अपना करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सौंफ और अदरक वाला पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको सिप सिप करके हम आराम से पी लेते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इससे फैट भी हमारा धीरे धीरे कम होता है। आप चेहरा हाँ सब कुछ देखिए, सबसे पहले तो मुझे चेहरे से ही लगता है कि हमारा कितना सारा वज़न कम हुआ है। और रात को मैंने भिगोए थे छोले, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मसालेदार खाने का मन नहीं होता है, लेकिन एक बार मसालेदार खा लो तो शाम को जो है सादी सब्जी बन जाती है। दूसरे दिन 2 दिन तक कम से कम मसालेदार से दूरियां बना ली जाती है, फिर होता है कि बनाएं ही क्या, खाएं ही क्या। तो यहाँ पर मैंने छोले को उबलने के लिए रख दिया, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक और पानी डाल करके जब तक ये उबलता है तब तक हम झाड़ू पोछा का काम करते हैं। मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। और आज का हमारा वजन है 69+20, तो यानी आप ये कह सकते हैं हमारा वज़न 69 पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, मैंने 1 बिस्किट निकाला है, बिस्किट खा के पानी पियेंगे, उसके बाद दोपहर के लंच बनाना शुरू कर देंगे। मैं सोच रही थी छोले बनाऊंगी, नाश्ते में छोले ही खाऊंगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, घर का सारा काम अकेले करते करते, आज पतदेव जी भी नहीं है, अगर वो होते ना तो आधे से ज़्यादा काम हमारा बटा देते, सब्जी कटिंग चॉपिंग का काम कर देते, बहुत सारा ऐसा काम होता है जो वो कर देते हैं तो मेरा काम हल्का हो जाता, लेकिन उनके न रहने से तो सारा काम मेरे ऊपर ही आ गया है। तो चलो फिर किसी तरीके से मैंने काम निपटाया। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को पीस लिया है, इसकी प्यूरी बनाएंगे। और कुकर में चने पहले ही उबाल के रखे थे, झाड़ू पोछा करने से पहले, स्नान जाने से पहले चने को उबलने के लिए रख दिया था, जो कि उबल चुका है। और उसी कुकर को खाली करके मैंने उसको साफ़ करके उसमें
इसमें चावल ऐड कर देते हैं। फटाफट से छोला चावल बनाने की तैयारी चल रही है। मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ चावल ही बने, हमारे बेटे को खास करके रोटियां चाहिए ही चाहिए होती है। अगर मैं गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, किसी भी मौसम में ये सोच लूँ कि चलो आज रोटी नहीं बनाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो पतदेव जी की भी कंपलसरी रहती है कि उनको रोटी चाहिए ही चाहिए। तो चावल मैंने चढ़ा दिया, जब तक वो सीटी देगा तब तक मैं फटाफट से यहाँ पर टमाटर और प्याज की पूरी बना लेते हैं। और अदरक लहसुन हरी मिर्ची को मैं कुटनी में कूट करके, आजकल मैं थोड़ा सा अलग ही फ्लेवर देने की कोशिश करती हूँ। क्या होता है ना, मर्चा तीखा कम आता है, उसको जो है ऐसे कूट के डालो ना तो उसका खूब अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। इसमें मसाले में मैंने 2 चम्मच छोला मसाला ऐड किया है, हल्दी, सब्जी मसाला और जो है किचन किंग मैंने ऐड कर दिया है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, हमारा मसाला बन करके तैयार है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मसाले नहीं है जो कि हमें नुकसान करेंगे। प्याज और टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, प्याज टमाटर हमारे लिए नुकसान नहीं करता है, नुकसान करते हैं गर्मी में लहसुन अदरक, ये सब गर्म करते हैं। तो लहसुन अदरक कम डालें आप इसमें, जो भी डालें, और गर्म मसाले भी कम डालें अपनी सब्जी में, दाल में। सिंपल मसाले से आप अपना खाना बनाएं तो इससे क्या होता है, गर्मी भी कम लगती है, पेट भी ठंडा रहता है। तो यहाँ पर मैंने तड़के में जो है सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है, जीरा, क्या कहते हैं, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, उसके बाद लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक को कूट करके रखा था उसको ऐड कर दिया। बाकी अब हम मसाले ऐड कर देंगे, मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक इसका एकदम कलर चेंज नहीं हो जाता। छोले हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, छोले और भटूरे बनाने के लिए कह रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने बच्चों से पूछा भटूरे बन जाए फिर पूरी बन जाए, तो बच्चों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। अब जब सब लोग साफ मना कर देते हैं, खाने वाले ही जब मना कर देते हैं तो फिर बनाने वाले क्या कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जब फिर थोड़ा सा ठंडी आ जाएगी, बारिश का मौसम आ जाएगा, तो फिर भटूरे पूड़ियाँ बनेंगी। और यहाँ पे मैंने चने उबाल करके रखे थे, उनको ऐड कर दिया है। मसाला अच्छे से पक जाने के बाद इसमें 2 आलू साथ में उबाला था, आलू को भी ऐड कर दिया। आलू से क्या होता है ना, थोड़ा सा हमारा ग्रेवी जो होता है गाढ़ा हो जाता है। इसमें मैंने गर्मा गर्म पानी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इसको ढक देंगे पकने के लिए और ये अच्छे से खोल जाएगा। गर्म पानी है, तुरंत उबाला आ जाता है। इसके बाद उबलने के बाद, पकने के बाद इसमें धनिया की पत्ती डाल दी है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती बचा ली है, अभी ऊपर से मैं ऐड कर देंगी। ठंड के मौसम में क्या होती है, खूब भर भर के धनिया की पत्ती आती है, खूब अच्छे से डालो। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होती है, कितनी भी हरी भरी धनिया की पत्ती लाल हो ना तो वो सूख के सूखी हो जाती है। छोले देखने में कितने बढ़िया टिमटिम लग रहे हैं, जितने बढ़िया देखने में लग रहे हैं ना उतने ही बढ़िया खाने में थे, बहुत अच्छे बने थे छोले। गर्मा गर्म छोले, चावल, रोटी सबने इन्जॉय किया। जब भी मैं ऐसे छोले बनने को देखती हूँ ना तो मुझे टिक्की की याद आती है, फिर ऐसे जो है समोसे की याद आती है कि समोसे और टिक्की के ऊपर छोले डाल के खाओ ना तो बड़ा ही बढ़िया लगता है। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ, टिक्की बनाऊँ, लेकिन बस अभी सोच ही रह रहे हैं, काफ़ी दिन से बनाने का कोई प्रयास नहीं है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना। सब लोग सादा सिंपल ही खाना पसंद कर रहे हैं, मैं भी सादा सिंपल, पतदेव जी भी, बच्चे भी, सब लोग सादा सिंपल। और उसके बाद फटाफट से मैंने रोटियाँ बनाई, बनाने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। अपना भी प्लेट लगा लिया जिसमें एक गिलास मैंने छाछ बनाया है, छोले, थोड़े से प्याज, खीरे कट किए हैं और 2 रोटी ली है। बस आज का दोपहर का लंच, भूख बहुत जोर की आज लगी थी क्योंकि नाश्ता भी मैंने नहीं किया था, बस छोले के चक्कर में कि आज हम गर्मा गर्म छोले बनाएंगे और खाएंगे। खाना खाने के बाद ना ऐसी नींद आई, छाछ पीने के बाद ऐसी नींद आई कि बर्तन भी मैंने नहीं धुला, बस डायरेक्ट लेटे और सो गए। देखिए कैसा चेहरा दिख रहा है, खूब सारी नींद ली मैंने 3 बजे तक। खाना मैंने खाया था 12:30 बजे और 12:30 बजे खाना खा के बस एक घूंट पानी पिया, उसके बाद पानी भी नहीं पिया। बीच में मुझे प्यास लग रही थी, घुट के पानी पिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नींद लग रही थी ना कि पानी भी पीने का मन नहीं हो रहा था, उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही उठे एक बिस्किट खाया, आजकल बिस्किट खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा लगता है बिस्कुट, और एक बिस्किट खा लो ना तो काफ़ी देर तक ऐसे भूख भी खत्म हो जाती, पेट भरा भरा रहता है। ये वाला बिस्कुट बाजरे से बना है, जौ का बना हुआ, बहुत अच्छा बिस्किट है, शुगर फ्री, जो कि पतदेव जी अपने लिए लाते हैं, खाते हैं सब। बर्तन भी मैंने नहीं धुला था, पानी पी कर फटाफट से बर्तन धुलते हैं, उसके बाद वॉक पे निकल जाते हैं। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। शाम का मौसम सुहावना है लेकिन ताप वैसे ही, ताप जैसे ना हवाओं में भी ना ऐसे गरम गरम लू जैसे निकल रही है। टाइम अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, इतनी शाम को हम लोग मतलब हम टहलने आते हैं लेकिन गरम गरम हवाएँ वैसी की वैसी हैं, खूब पूरा दिन लू चल रहा है, गरम गरम हवा चल रही है। 6:30 बजे अभी देखिए इतना उजाला है, 7:15 तक टहलेंगे, जैसे ज़रा ज़रा सा अंधेरा होने लगता है ना तो फिर घर को चले जाते हैं।
आज फिलहाल अकेले ही आए हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरी सखी सहेली सब लोग पहले ही आ जाती हैं, लेकिन क्या है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं होता। हालांकि गर्मी घर में भी रहती है, लेकिन पंखे के नीचे रहो तो राहत रहती है, बाहर निकलो तो गर्म गर्म हवा रहती है। लेकिन बाहर निकलना भी ज़रूरी है, वॉक करना भी ज़रूरी है। जैसे हर चीज़ ज़रूरी है, वैसे ये भी ज़रूरी है, ज़रूरी काम में से एक है। तो थोड़ी सी सुबह शाम वॉक हो जाए, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वैसे सुबह के टाइम वॉक करने आओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सुबह की हवा ठंडी ठंडी रहती है, ताज़ी रहती है। लेकिन इस टाइम हवा जो होती है ना, लू जैसी लगती है। शाम का टाइम है फिर भी गरम गरम हवा निकल रही है, ऐसे हवा तो चल रही है लेकिन एकदम गरम। तो चलिए पहले वॉक कर लेते हैं, कम से कम 50 मिनट 60 मिनट एक घंटे की वॉक खूब तेज़ तेज़ कर लेते हैं, फिर घर चलते हैं। प्यास लग रही है, घर पहुंचते ही पानी। और वॉक से आने के बाद साथ में दूध लेती आई हूँ, चलती हूँ अब डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, पद्दे जी भी हैं नहीं आजकल घर पे, तो बस दूध गर्म करूँगी, आम का पल्प निकालूँगी, बस आम रोटी सब खाएंगे, थोड़ा सा छोला बचा हुआ जिसका मन होगा छोला खाएंगे। और आने के बाद प्यास कितनी जोर की लगी थी वो बता पाना मुश्किल है। जैसे ही दूध चढ़ाती हूँ फटाफट से सबसे पहले मैं पानी पीने लग जाती हूँ, 1 लीटर पूरा पानी फिनिश करती हूँ। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी फिनिश करूँगी, मिलूंगी नए ब्लॉग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।